यूपी के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में किया शिरकत और विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए सुनाई खरी खोटी। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। खबर बलिया से है, जहां यूपी के पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम जगदम्बिका पाल ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस जातिवाद पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि भाजपा विकास कार्य नीतियों और मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के सभी राज्यों में नकारा जा चुका है, जबकि भाजपा देश के विकास और जनता की सेवा के लिए जुटी हुई है। पाल ने कहा कि बाहुबलियों को पार्टी से निकालने का दम बनने वाली बसपा बाहुबलियों के दम पर ही सत्ता पर काबिज होती रही है। आज बसपा मुख्तार अंसारी को निकालने के दम भर रही है, लेकिन मुख्तार के भाई अफजाल बीएसपी सांसद हैं। वहीं अखिलेश यादव के शासनकाल में यूपीपीएससी में एक ही समाज के लोगों की नियुक्तियां हुई थी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यूपी में सपा और बसपा चार चार बार शासन कर चुकी है, लेकिन अपने कार्यों कार्यक्रमों और जन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। पाल ने अपनी पार्टी की वकालत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2022 में यूपी में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। भारत मीडिया के लिए बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। देश में एक्सप्रेस हाईवेज दिए गए हैं, तो चुनाव इस पे क्यों नहीं लड़ते? क्यों राम गोविंद जी कह रहे हैं कि जातियों को नकारा नहीं जा सकता? आखिर जातियों ने जातियों के आधार पे सरकारों में आए थे, और सरकार में आए थे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने पीसीएस जैसे सर्विसेज में 67 लोग मैनपुरी इटावा के एक ही समाज के लोगों को नियुक्त कर दिया गया डिप्टी कलेक्टर के रूप में। तब वो कहाँ समाज चला गया था? पहले इसका जवाब अखिलेश यादव दे दें कि जब सरकार में आते हैं तो ठेके से लेकर नौकरियों से लेकर के और जिस तरह से जातीयता का तांडव होता है, नंगा नाच होता है, तो आखिर ये प्रदेश की जनता को केवल चुनाव में गुमराह करना चाहते हैं? लेकिन काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। अंत में सर, सिर्फ एक सवाल कि जिस तरीके से गुजरात या फिर उत्तराखंड में देखा गया कि लगातार पहले भी इन्होंने कहा था कि हम गुंडा माफियों को नहीं देंगे, और फिर जब सरकार में आई गई तो फिर सबको शामिल कर लिया, और अगर अभी मुख्तार अंसारी को निकाल दिया तो उनके सगे भाई अफजाल अभी भी बहुजन समाज के सांसद हैं। तो आखिर ये हिपोक्रेसी है, जनता को गुमराह कर रहे हैं, या ये कहना कि हम इस समाज को मौका देंगे, इस समाज को मौका देंगे। आपने देखा होगा कि जब सत्ता में आई है तो उन्होंने दलितों की भी बात नहीं किया, जिस बिरादरी के हैं उन्होंने केवल दौलत की बात किया, और सत्ता में रहने के बाद किस तरीके से जन्मदिन पे चंदा लेना, किस तरह से अपने पार्टी को, तो ये जनता अब जान चुकी है, समाजवादी को भी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे पहुंच गया, कानून व्यवस्था में कोई सुरक्षित नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस पे है। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार निश्चित तौर से जिस तरह से प्रदेश में इन बाहुबलियों को, आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कि आज अपने को आदमी सुरक्षित महसूस करता है। सर, आपको दो सवाल करना चाहूँगा। पहला तो ये कि अभी मैंने राम गोविंद चौधरी भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ये माना, एक सवाल कि जिस तरीके से गुजरात या फिर उत्तराखंड में देखा गया कि लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री चेंज किए गए, चुनाव आने वाला है, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के पहले कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी तो आप इस तरीके, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात मीडिया लोगों ने उठाई थी आज के कुछ महीनों पहले। आ करके जेपी नड्डा जी ने साफ कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी के दौरे पर आए थे, जिस तरह से तारीफ किया, अमित शाह जी आए थे। तो आज योगी आदित्यनाथ जी जैसा चरित्रवान, ईमानदार, कर्मयोगी, मैं कह रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, विपक्ष का काम है सड़क पे आना, विपक्ष का काम है संघर्ष करना, अगर हम विपक्ष में रहेंगे तो जनता की आवाज़ उठाएंगे। तो जब 2 साल कोविड रहा, जिस समय योगी आदित्यनाथ को कोविड होने के बावजूद वो जिले जिले के अस्पतालों में घूम रहे थे, उस समय अखिलेश यादव जी कहाँ थे? उस समय मायावती जी कहाँ थी? केवल ट्वीट कर रही थी। तो जनता नहीं जान रही कि 4.5 साल विपक्ष के नेता के रूप में एक बार आप बलिया नहीं आ सके, एक बार किसी, और शायद योगी जी को गिनेंगे तो 10-10 बार एक एक जिले में आए। 5 साल में मुलायम सिंह और मायावती चुनाव चुनाव में आते थे, कभी बीच में नहीं आते थे। बाढ़ में कहीं बता दीजिए कि कभी मुख्यमंत्री ने दौरा किया हो, बाढ़ जब
मुख्यमंत्री बने थे तब भी एक एक जिले में गए और अभी भी बाढ़ में आज़ादी में बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आज जब 2022 का एक चुनाव होने जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिस तरह से जातियों की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति, फिरका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं, मतलब फूहड़ ढंग से फिर से समाज को बांटना चाहते हैं केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा प्रबुद्ध वर्ग को, इंटेलेक्चुअल्स को, हम अन्य पार्टियों से हमारा भिन्न है कार्यशैली, कार्य संस्कृति, तो उसका एक शुरुआत इस चैन राम बाबा के समाधि से किया। हमने अपनी उन प्रदेश की केंद्र की योजनाओं को, जो मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, या आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने किस तरह से तमाम चीज़ों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, निवेश के मामले में हो, या इकोनॉमी के मामले में हो, बजट के मामले में हो, किसानों को स्वावलंबी बनाने में, उनकी आय को दुगना करने के हो, स्वच्छ भारत में सभी को टॉयलेट मुहैया कराने की बात हो, सबको आवास देने की बात हो, इन सारी योजनाओं में जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार काम हुआ, ये प्रबुद्ध वर्ग में हम लोग इसकी चर्चा, इससे साफ हो गया कि जहां हम 2022 का चुनाव सुशासन पर लड़ना चाहते हैं, कार्यक्रमों पर लड़ना चाहते हैं, हम जनता की योजनाओं पर लड़ना चाहते हैं, वहीं आज समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जातीयता के आधार पर लड़ना चाहते हैं। सरकार में रहने का मौका तो इनको भी मिला, सरकार में समाजवादी भी 4 बार रही है, 3 बार मुलायम सिंह, 1 बार अखिलेश, मायावती भी 4 बार रही हैं, तो आखिर 4 बार रह चुके हैं, ये अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र क्यों नहीं करते? ये कह रहे हैं कि हमने मुख्तार अंसारी को निकाल दिया। अगर मुख्तार अंसारी को निकाल दिया तो इसी तरह से तो पहले भी इन्होंने कहा संगठन मजबूत करेंगे, फेरबदल करेंगे, अब जब चुनाव आ रहा तब वो संगठन की शुरुआत करेंगे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, अब उन्हें याद आ रही, जब बहुत देर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब गाड़ी छूट चुकी है। और जिस तरह का परिणाम अभी बंगाल में आया, एक एक राज्य से जनता उनको नकार रही है। पिछली बार लोकसभा में जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ से पराजित हुए, तब उत्तर प्रदेश में ज़मीन बचा क्या ग्राउंड? अब जो कांग्रेस कर रही है, बसपा कोशिश कर रही, समाजवादी या आप पार्टी या ओबीसी की पार्टी है, ओबीसी, तो ये सारी पार्टियाँ हमसे नहीं लड़ रही, आपस में दिखाने की कोशिश कर रही। समाजवादी कह रही नहीं मेरी लड़ाई भाजपा से, बसपा कह रही नहीं मेरी लड़ाई है, कांग्रेस भी कह रही नहीं मेरी लड़ाई है, तो ये तय करें कि वहाँ कौन नंबर 2 पे है, कौन नंबर 3 पे, कौन नंबर 4 पे। नंबर 1 तो वो खुद ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी।